नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो एसपी बक्सी बुक से हम पढ़ रहे थे, और आज के इस वीडियो में हम उसका पार्ट थर्ड जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें भी हम डिनोटिंग पर्सन यानी अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। वन वर्ड पढ़ने की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब आप वन वर्ड पढ़ते हैं तो बहुत सारे जो शब्द हैं आप केवल एक ही शब्द नहीं सीखते हैं, बहुत सारे शब्दों को आप जो है वो उनके अंदर से गो थ्रू होते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी वोकैबुलरी की प्रैक्टिस होती है और इनको याद करना इंटरेस्टिंग भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को, और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा वर्ड है हर्बी वोरस। हर्बी वोरस जो है वो एक रूट वर्ड से बना है, दो रूट वर्ड है इसमें। एक तो हर्ब जो है, हर्ब आपको पता ही है कि हर्बल, हर्ब जो है वो जड़ी बूटियों को बोलते हैं, और वोरस का मतलब होता है ईटिंग करने वाला, खाने वाला। तो जो हर्ब को खाने वाला होता है उसको बोलते हैं हर्बी वोरस। वन दैट लीव्स ऑन हर्ब्स, कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर्ब्स के ऊपर ज़िंदा रहता है यानी हर्ब्स को खाता है, जड़ी बूटियों को खाता है, तो उसको हम शाकाहारी कह सकते हैं। उसके बाद में अगला हमारा वर्ड है ऑनरेरी। ऑनरेरी एक ऐसी पोस्ट होती है, वन हु होल्ड्स ए पोस्ट विदाउट एनी सैलरी। खास तौर पर बड़े लोग जो होते हैं, प्रसिद्ध लोग जो होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं, वो कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो उनको एक ऐसी पोस्ट दी जाती है जहाँ पर कोई सैलरी नहीं मिलती है, फिर भी वो काम करते हैं, वेलफेयर के काम करते हैं, तो उसको ऑनरेरी बोलते हैं। उसके बाद में अगला 43 नंबर है हाई ब्रो। हाई ब्रो है, ब्रो बहुत हाई है। ए पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट, कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को कल्चर के अंदर या बुद्धिमत्ता के अंदर अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो हाइब्रो बोलते हैं। हाइब्रो का मतलब आप घमंडी कह सकते हैं, जिसका ब्रो जो है वो ऊंचा रहता है, हाइब्रो, तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको, हाइब्रो तो घमंडी व्यक्ति होता है। स्नोब जो है इसका मतलब भी सेम ही होता है, ये इसका सिनोनिम्स है। उसके बाद में अगला वर्ड है हमारा हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक हु इज़ ओवर एंग्जियस अबाउट हिज हेल्थ, कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी हेल्थ के बारे में ओवर एंग्जियस होता है यानी आवश्यकता से अधिक जो है वो कुछ भी खाने पीने से पहले जो है वो हज़ार बार सोचता है कि मैं ये खा लूँगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसा सोचने वाला व्यक्ति जो है वो हाइपोकॉन्ड्रियक पर्सन जो है वो कहलाता है। उसके अलावा अगला जो है हमारा आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट तो आइकोनोक्लास्ट व्यक्ति कौन सा होता है? वन हु इज़ ब्रेकर ऑफ इमेज एंड ट्रेडिशंस, ऐसा व्यक्ति जो मूर्तियों को तोड़ने वाला या ट्रेडिशन जो परंपराएं जो होती है, रीति रिवाज जो होते हैं उनको तोड़ने वाला जो होता है उसको आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं, मूर्ति भंजक जिसको बोलते हैं। इलिटरेट वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, कि ऐसा व्यक्ति जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है उसको इलिटरेट बोलते हैं, और पढ़े लिखे व्यक्ति को, साक्षर व्यक्ति को जो है वो लिटरेट व्यक्ति बोलते हैं, इसका एंटोनिम्स हो गया है। उसके बाद में ये जो है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इमिग्रेंट, तो फिर से आ गया ये, तो उसमें हमने बताया था कि वो होता है इमिग्रेंट। तो इमिग्रेंट कौन सा होता है? जो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ से छोड़ करके दूसरे देश में, जैसे इंग्लैंड में जाकर के बस गया, तो वो एमिग्रेंट हो गया, और वहाँ के लिए ये व्यक्ति जो है वो इमिग्रेंट हो गया। ए पर्सन हु कम्स टू ए कंट्री फ्रॉम हिज ओवन कंट्री फॉर सेटलिंग, तो ये एमिग्रेंट जो है वो अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में सेटल होने वाले व्यक्ति को जो है वो एमिग्रेंट बोलेंगे हम। और मान लीजिए कि कोई ब्रिटिश व्यक्ति है और वो हमारे देश में आकर के बस गया, तो हम उसको जो है वो इमिग्रेंट बोलेंगे, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद में अगला हमारा है इम्प्रेगनेबल, दैट कैन नॉट बी इंटर्ड बाई फोर्स, ऐसी कोई वस्तु या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको ज़बरदस्ती किसी चीज़ के अंदर प्रवेश नहीं करवाया जा सकता है वो, तो ऐसी चीज़ को हम जो है इम्प्रेगनेबल बोलते हैं। प्रेगनेबल जिसको फोर्सफुली इंटर करवाया जा सकता हो तो उसको प्रेगनेबल बोलते हैं, जिसको फोर्सफुली इंटर नहीं करवाया जा सकता हो उसको इम्प्रेगनेबल बोलते हैं। इम्पोस्टोर, इम्पोस्टर जो है वो कौन सा व्यक्ति होता है? वन हु प्रिटेंड टू बी समबॉडी एल्स, कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति होने का प्रिटेंड करता है, नाटक करता है, दिखावा करता है, उसको इम्पोस्टोर बोलते हैं। इसके अलावा अगला हमारा वर्ड है इनडिफेक्टिबल। इनडिफेक्टिबल का मतलब होता है वन हु डज नॉट टायर इजिली, ऐसा व्यक्ति जो जल्दी से नहीं थकता है उसको इनडिफेक्टिबल बोलते हैं। उसके बाद में अगला हमारा वर्ड है इंट्रोवर्ट। इसमें भी एक इंट्रो है और एक वर्ट है। इंट्रो का मतलब होता है अंदर की तरफ, इनवर्ट जो होता है, और वर्ट का मतलब होता है टर्न करना, कि ऐसा व्यक्ति जो अंदर की तरफ जिसके विचार टर्न हुए हों उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली,
जो अपने आप को आज़ादी के साथ जो है फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। और एक्स्ट्रो एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बाहर की तरफ, और वर्ड जो है उसका मतलब है टर्न करना। तो जो व्यक्ति बहिर्मुखी होता है, ये अंतर्मुखी होता है और ये बहिर्मुखी होता है। इनसॉल्वेंट, ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेबिट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ होता है उसको इनसॉल्वेंट या फिर बैंकक्रप्ट बोलते हैं, दिवालिया जिसको बोलते हैं। इटिनरेट, वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, नोमैडिक, ऐसा व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है उसको इटिनरेट या फिर नोमैडिक बोलते हैं, घुमक्कड़ जिसको कहते हैं आप। इनविंसिबल, इनविंसिबल वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीट, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हराया ना जा सके, अजेय जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं इनविंसिबल, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा विंसिबल, जिसको हराया जा सकता हो, इनविंसिबल जिसको हराया ना जा सकता हो, अजेय। इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल का मतलब होता है वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड विद अ वाउंडेड, ऐसा व्यक्ति जिसको घायल नहीं किया जा सकता हो, जिसको चोट नहीं पहुंचाई जा सकती हो, उसको इनवल्नरेबल बोलते हैं। और इसका उल्टा जो है एंटोनिम्स जो है वो वल्नरेबल हो जाएगा, जिसको चोट पहुंचाई जा सकती हो, जिसको आसानी से घायल किया जा सकता हो उसको वल्नरेबल बोलते हैं, और जिसको आसानी से नहीं हराया जा सकता हो उसको, घायल नहीं किया जा सकता हो उसको इनवल्नरेबल बोलते हैं। लाइबर्टाइन, लिबर्टाइन्स, ए पर्सन हु लीड्स एन इमोर्टल लाइफ, कि एक ऐसा व्यक्ति जो अमर जीवन जो है वो जीता हो उसको लिबर्टाइन बोलते हैं। लिबर्टाइन सिनोनिम्स इसका हो जाएगा लीचर। उसके अलावा अगला हमारा वर्ड है मार्टियर, वन हु डाइज फॉर नोबल कोज, सामान्य रूप से जो देश के लिए जो बलिदान करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको मार्टियर्स बोलते हैं। मार्टियर्स को आप हिंदी में शहीद कह सकते हैं। मर्सिनरी, वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी, बैड सेंस, कि ऐसा व्यक्ति जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हो गलत सेंस के अंदर, उसको मर्सिनरी के नाम से जो है वो जाना जाता है, मर्सिनरी उसको कह सकते हैं। अगला हमारा वर्ड है मिस एंथ्रोप, मिस एंथ्रोप में मिस एक रूट वर्ड है, पहले भी हमने पढ़ा था, और एंथ्रोप होता है मैनकाइंड, और मिस का मतलब होता है हेट करना, एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तियों से घृणा करता है, मैनकाइंड से घृणा करता है, उसको हम मिस एंथ्रोप बोलते हैं। तो यदि हम इस प्रकार से वर्ड को याद करते हैं तो हम कभी भूलेंगे नहीं, मिस का मतलब होता है हेट करना, और एंथ्रोप कहीं पर भी आएगा तो उसका मतलब होगा मैनकाइंड, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से मानव जाति से घृणा करने वाले व्यक्ति को मिस एंथ्रोप या मिस एंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। फिल एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है लव करना, पहले भी ये रूट वर्ड जो है वो आया था, और एंथ्रोप जो है वो आपको पता ही है मैनकाइंड के लिए होता है, जो मैनकाइंड से प्रेम करने वाले व्यक्ति होते हैं तो उनको फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, फिलंथ्रोफ। और उसके बाद में अगला हमारा वर्ड है मिशो गैमिस्ट, तो मिस जो है वो इसका मतलब अभी ऊपर देखा है कि इसका मतलब हेट होता है, और गैमोस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मैरिज, एक ऐसा व्यक्ति जो मैरिज से घृणा करता है, वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, कि जो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन होता है उससे जो घृणा करने वाला होता है उसको मिसो गैमिस्ट बोलते हैं। ध्यान रखना है गैमोस एक वर्ड होता है जिसका मतलब मैरिज होता है, और गायनी जो है उसका मतलब वुमेन होता है। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।